जबलपुर की जीआरपी थाना पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 2 आरोपियों को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 2 युवकों को 740 टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया, जहां युवक बेंगलुरु से शराब खरीदकर पटना ले जा रहे थे। दोनों युवक बिहार के निवासी हैं और आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं जब्त की गई शराब की कीमत 73,000 रुपये बताई जा रही है। देर शाम को शराब पर कार्रवाई हुई है, कहाँ से पकड़ा है और क्या है क्वांटिटी और कौन है आरोपी? जैसे कि अभी चुनाव चुनाव वाले लगे आने वाले हैं आने वाले समय में, उसी के मद्देनजर लगातार हमारी ट्रेनों में और प्लेटफॉर्म में चेकिंग की जा रही है। अवैध शराब और भी जो ट्रेनों में सप्लाई अवैध रूप से हो रही है, उसके ऊपर हम चेक किया गया तो उनके बैग में से अवैध रूप से ये 8 PM विस्की 17,630 रुपये और ये बेंगलोर से पटना लेके जा रहे थे।